क्लास 10 के सभी स्टूडेंट आप सब रेडी हो जाइए। इस वीडियो में एक ऐसे चैप्टर को कवर करूंगा जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, जब मैं कक्षा 10वीं के बच्चों से मिलता हूं, उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूं, एक बात बताओ तुम्हें क्लास 10 का केमिस्ट्री लगता कैसे है। वो बोलेंगे यार भैया मुझे तो समझ नहीं आता, रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन एफिनेशन तो ठीक है चलो रट लेते हैं, लेकिन रिएक्शन वेक्शन समझ आता ही नहीं है। तो मैं पूरी रिएक्शन को रट मारता हूँ और एग्जाम में लिख देता हूँ, मेरे नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं। अगर तुम भी ऐसा सोच रहे हो तो ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस को आसान भाषा में सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा और रिएक्शन करके दिखाऊंगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा और तुम्हें समझ में भी आएगा। इसके लिए करना क्या होगा, सिंपल सा, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। इसके लिए ना तो आपको किसी को एक रुपए पे करना है, मतलब टोटल फ्री कोर्स है, ना तो इसके लिए आपको कहीं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दूंगा और तुमको आसान भाषा में समझ भी आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। और एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इस चैप्टर का 100% मार्किंग करोगे तुम, मतलब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई भी तुम छोड़ करके नहीं आओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अब आप सब बोलोगे यार भैया आप हो कौन, इतनी गारंटी लेते हो, आखिरकार हो कौन? तो मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मिडिल एजुकेशन। देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ने बैठो ना यार, तो उसके नाम को गौर किया करो, नाम क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन, मतलब यहां पर हमको केमिकल लेकर के, अब कितने केमिकल, एक या एक से अधिक, उन केमिकल को लेकर के रिएक्शन करना है, मतलब एक केमिकल को दूसरे केमिकल में डालना है, दूसरे को तीसरे में, और डाल करके हमें नया प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, उत्पाद क्या मिल रहा है, उसके बारे में कवर करेंगे। तो इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और अगर इस नाम को तुम अच्छे समझ लेते हो तो पूरा चैप्टर खत्म, कुछ नहीं है भाई, पूरा चैप्टर खत्म, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आसानी से आप सब कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके पहले आपको थोड़ी फ्लैश बैक मिल जाती हैं, मतलब कक्षा 9वीं की कुछ कुछ चीजें याद दिलाता हूँ, भूल गए होगे, मतलब जो धूल मिट्टी भरी है उसको मैं थोड़ी साफ करता हूँ। एक चीज तुम पढ़े होगे क्लास 9th में, फिजिकल रिएक्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद ही नहीं होगा, अरे यार ये कहाँ याद है मेरे को, कहाँ मैंने 9th अच्छे से पढ़ा, तो ठीक है मैं बैठा हूं ना। देखो, फिजिकल रिएक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं भौतिक परिवर्तन, मतलब ऐसा कोई परिवर्तन जब किसी पदार्थ का गुण बदल जाए उसे कहते हैं फिजिकल रिएक्शन, मतलब केवल प्रॉपर्टीज में कन्वर्टेशन हो उसे फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा एग्जांपल तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ये रहा है आपके सामने, देखो क्या है, सबसे पहला एग्जांपल ये रहा आपका बर्फ, तो बर्फ का पानी बनना, भाई बर्फ रखा है, रखा रखा ये पिघला और बन गया पानी, बर्फ का पानी बनना ये आपका फिजिकल रिएक्शन है। इसमें ना तो तुम कहीं से टेम्परेचर दिए, ना तो तुम आग लगाए, ना तो इसे फूंक मारे, कुछ नहीं किए, कोई जादू नहीं किए, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हुआ। इसी का दूसरा एग्जांपल है कपड़ा सूखना, अरे भाई जब तुम या तुम्हारे घर की माताएं बहनें कपड़े जब साफ करती हैं तो कपड़े साफ करके चुपचाप छत पे रख देती हैं, एक डोरी रहता है उस पर टंगा देती हैं, कुछ करती नहीं है कि यार हम कपड़े पकड़ के कपड़े सुखा रहे हैं, ऐसा कोई करता है क्या कि अरे यार कोई जैसे तुम्हारा दोस्त आया चल स्कूल चलते हैं, अरे यार भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो कपड़े पकड़ के खड़ा हूँ और कपड़े सुखा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता ना। कपड़ा सूखना आपका फिजिकल रिएक्शन है मेरे भाई। आगे देख लो, चॉकलेट का पिघलना, तुमने रो रो करके मम्मी बोला यार मम्मी चॉकलेट तो आज खा के रहूंगा मैं, चॉकलेट तो लेके आना पड़ेगा, मम्मी बोली ठीक है बेटा ला देते हैं भाई तू जिद कर रहा है, तो चॉकलेट आ गया, तुमने चॉकलेट नहीं खाया और फ्रिज के अंदर भी नहीं रखा, तुम बाहर रखा रखा तुम्हारा चॉकलेट मेल्ट हो गया, मतलब चॉकलेट का पिघलना आपका एक फिजिकल रिएक्शन है। उसमें तुमने उसको मुक्का नहीं मारा, तुमने उसे घूंसा नहीं मारा कि चल पिघल पिघल पिघल, ऐसा तुमने बोला क्या, नहीं, ऑटोमेटिक पिघला। ठीक ऐसे ही हमारा चौथा एग्जांपल है मोम का पिघलना, मोम तुम्हारा, तुमने मोम में आग लगा दिया, मोम ऑटोमेटिक मेल्ट हो रहा है, मोम का पिघलना आपका फिजिकल रिएक्शन है।
लेकिन ध्यान रखना, मोम का जलना आपका केमिकल रिएक्शन है, डिफरेंस बहुत तगड़ा है। मोम का जलना केमिकल और मोम का पिघलना फिजिकल। आइए अब समझते हैं आखिरकार क्या होता है केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक परिवर्तन। अब देखो बेटा, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो उसमें एक चीज में परिवर्तन नहीं होता, अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब अगर वो ठोस है, सॉलिड है, तो वो गैसीय बन जाएगा, मतलब गैस में कन्वर्जन हो जाएगा। इसका अच्छा एग्जांपल कपूर है। कपूर तो आप सब देखे होंगे घर में, पूजा के लिए मम्मी लेकर के आती हैं। तो कपूर को एक थाली में रखो और कपूर में आग लगाओ, तो सीधे ठोस अवस्था से वो गैसीय अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरी बात, रंग में परिवर्तन। एक केमिकल है जिसको तुमने खुला छोड़ दिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ और उसका रंग बदल गया। तीसरा बिंदु कह रहा है कि गैस का निकलना, मतलब सिंपल सा कोई केमिकल का तुम रिएक्शन कराओ, उसमें कोई ना कोई गैस निकले, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ये आपका केमिकल रिएक्शन है। और तापमान में परिवर्तन, मतलब कोई चीज़ अभी कम गर्म है, थोड़ी देर बाद रखा या फिर आप उसे टेम्परेचर दो, अधिक गर्म कर दो, ये आपका रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल रिएक्शन है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, देखो मेरा घर बन रहा था तो मैं गया मार्केट और मार्केट से सरिया लेकर गया, मतलब जिसे आप लोहा बोलते हो, ठीक है, ये रहा मेरा सरिया। अब सरिया से मैं कुछ कुछ बनवा लिया, जैसे मैंने ए आकार का स्ट्रक्चर बनवा लिया, कुछ दिन रखा यहाँ पर लग गया जंग। ये जंग पता है क्यों लगा? क्योंकि इसने रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद जंग लगा, इसलिए लोहे में जंग लगना एक आपका केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि रखा लोहा ऑक्सीजन और नमी के कारण रिएक्शन करके और उसमें जंग लगा। ठीक इसी प्रकार से पेपर का जलना, कोई पेपर रखा है उसमें तुम आग लगा दो, तुम्हारा पेपर जल गया, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। इस प्रकार से क्लास 9th में था फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, इसे आप समझ ही गए होंगे। बढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। चैप्टर में आगे बढ़ें उसके पहले आप सभी स्टूडेंट्स ये बताइए कि आपका एनर्जी लेवल कैसा है। आप सब सीखने के लिए एनर्जेटिक तो हो ना, ऐसा तो नहीं कि निष्क्रिय हो गए कक्षा 9वीं का पढ़ के। अभी तो चैप्टर शुरू होने वाला है, अपने एनर्जी लेवल को बना के रखना। इस वीडियो को एंड तक देखना, देख लेना इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर जाओगे, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना आ जाए। अब देखो, हमने वीडियो में आपसे पहले ही बोला था कि जब भी तुम कोई चैप्टर को पढ़ने बैठो उसके नाम को अच्छे समझो। तो यहाँ पर लिखा क्या है? केमिकल रिएक्शन। आपके चैप्टर का नाम क्या था? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यही था ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसे जरा समझना। सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, एक बात बताओ, तुमने एक ग्लास पानी लिया और एक कटोरी में लिया गेहूं का पिसा हुआ आटा। एक ग्लास पानी और गेहूं पिसा हुआ, जब तुमने उस गेहूं जो पिसा हुआ है उसमें पानी डाल दिया, उसको गूंथ दिया, तो नया प्रोडक्ट या नया उत्पाद क्या निकला? आटा। बस उससे रोटी बनाओगे, गुथा हुआ आटा। ठीक, तो तुमने दो चीज को आपस में जोड़ा, एक तुम्हें तीसरा प्रोडक्ट मिला। बस यही तो है केमिकल रिएक्शन। जहां पर तुमने पानी और गेहूं पिसा हुआ लिए थे, वहां पर तुम केमिकल ले लो, खत्म। अब पढ़ लो डेफिनेशन, यहां पर लिखा गया है एक या एक से अधिक पदार्थ को आपस में मिला करके किसी नए उत्पाद का निर्माण करना। देख लिए, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक में हमने पानी लिया, एक से अधिक में हमने क्या लिया? पिसा हुआ गेहूं, उसमें पानी डाल दिया और गूंथ दिया, नया उत्पाद क्या मिला? आटा। बस रोटी बनाओ, खाते जाओ, यही है ना। अब देखो हमने यहां पर क्या किया, एग्जांपल के थ्रू हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ दिए, प्लस का सिंबल है, और ये एरो लगा करके हमें एक नया उत्पाद या नया प्रोडक्ट मिला है, जो कि पानी का फॉर्मूला लिखा है H2O। लेकिन ध्यान रखना ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना तो हम वीडियो में आगे सिखाएंगे, बहुत अच्छी मेथड बताएंगे कि बैलेंस किस प्रकार से करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक पॉइंट और आता है, उस पर गौर कीजिएगा। पॉइंट क्या है कि अभिक्रिया और उत्पाद क्या है? तो कुछ नहीं यार, इट्स वेरी सिंपल। जिस प्रकार से तुमने पानी और पिसा हुआ गेहूं को लिया, दो चीज को लिया, उसे कहेंगे अभिक्रिया, और जो तुम्हें मिला उसे कहेंगे उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका क्या हो गया? अभिक्रिया हो गया। और यहां पर हमें मिला क्या? पानी, मतलब H2O, ये आपका उत्पाद हो गया, खत्म। बस इतना था। ध्यान रखना कि जिस चीज का रिएक्शन करते हैं उसे अभिक्रिया कहते हैं, और जो हमें निकल के आता है उसे उत्पाद कहते हैं। बस इतना सा था,
याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है समीकरण संतुलन। ये क्या होता है? तो सिंपल सा, दोनों योर के तत्वों के परमाणु की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें। यदि दोनों योर की परमाणु की संख्या समान है तो समीकरण संतुलन है, यदि नहीं है तो समीकरण संतुलन नहीं है। वीडियो में आगे कवर करेंगे, आगे समझेंगे कि समीकरण संतुलन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है जी, इतना तो समझ आया ना। चलिए, यहां पर लिखा है बैलेंस्ड इन केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, वही पुराना एग्जाम्पल मैं लिया हूं जो मैं पहले लिया था। गॉट इट? अब समझना, यहां पर लिखा है H2+O2, ये मिलके बना H2O। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम एक मेथड का उपयोग करेंगे जिसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को हम आगे बहुत अच्छे से सिखाएंगे, लेकिन यहां पर आप मोटा माटी थोड़ी समझ लो कि ये बैलेंस कैसे होता है। ठीक है, बाकी हम बैलेंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, इस चीज को गौर कीजिएगा। अब देखो, यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। तो जब ये 2-2 हैं, तो जो एरो का सिंबल है, निशान है, जो तीर का चिन्ह है, इसके बाद जो इधर है तो इधर भी 2-2 होना चाहिए, राइट ना? तभी तो बराबर होगा। जैसे तुम और तुम्हारा एक छोटा भाई है, अगर तुम्हें मिला है 2 रोटी तो छोटे भाई को 2 रोटी मिलनी चाहिए, तभी तो बराबर होगा ना। तो ठीक ऐसे ही यहां पर देखो, हाइड्रोजन तो 2 है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन आपका 2 हो गया, समझना बात को। लेकिन ऑक्सीजन यहां पर 1 है, जबकि यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। मतलब हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसे बैलेंस के लिए करने के लिए क्या करेंगे? अगर यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो कभी मिटाएंगे नहीं, कोई चीज डिलीट नहीं करेंगे। ऐसा मत करना कि चलो ठीक है 2 है तो इस 2 को हटा दो, अब तो हो गया ना 1, बैलेंस हो गया ना। अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत है। इसके लिए आपको, अगर यहां पर 2 है तो बिना छेड़खानी किए यहां पर भी आपको 2 करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि आगे लगा दिया 2। ठीक, अब तो आपको ऑक्सीजन 2 हो गया, समझना बात को। तो यहां पर तो ऑक्सीजन 2 है तो यहां पर 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहां पर 2 था और 2 हमने आगे लगा दिया, तो 2 और 2 का गुणा करेंगे होगा 4। मतलब अब इधर भी आपको ऑक्सीजन 4 होना चाहिए, और 4 करने के लिए हम आगे रख देंगे 2। अब देखो, 2 और 2 4, मतलब इस प्रकार से आपका 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, और इधर भी आप देखोगे तो 4 आपका हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया है। इस प्रकार से हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया है, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। लेकिन अभी हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके पहले ये देखेंगे कि आखिरकार केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये रहा 4 प्रकार का केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्यूजन, मतलब डीकम्पोजिशन। फिर पढ़ेंगे आपका कंबाइन या कंपोजिशन, जिसे कहते हैं संयोजन, वैसे इसे कॉम्बिनेशन ही कहा जाता है। थर्ड आपका हो गया विस्थापन, मतलब जिसे आप रिप्लेसमेंट कहते हैं। एंड थर्ड आपका हो गया डबल रिप्लेसमेंट, मतलब द्विविस्थापन। अब जरा इसको समझना, जो बियोजन होता है तो कोई एक प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट को हम 2 बार तोड़ते हैं, इसे कहते हैं बियोजित करना। संयोजन का मतलब क्या होता है? अगर 2 अलग अलग आपका अभिक्रिया है तो एक नया चीज निकलेगा जिसे कहेंगे उत्पाद, मतलब 2 केमिकल को जोड़ना। विस्थापन की बात करता हूं तो विस्थापन का मतलब होता है कि अपना स्थान छोड़ करके किसी और के साथ जाना। जैसे देखो, यहां पर ए के ए भी साथ में है ना, लेकिन ए अपना स्थान छोड़ करके और सी के साथ चला गया, ये बन गया आपका ए सी, और बी हो गया अकेले, यहां पर तो सी अकेले था। और यहीं पर द्विविस्थापन, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अपने स्थान को इंटरचेंज करना। ठीक है, जैसे देखो ए बी के साथ है तो ए चला जाएगा सी के साथ और बी आ जाएगा डी के साथ, और देख लो यहां पर क्या हुआ, ए चला गया डी के साथ। मतलब कोई किसी के साथ जा सकता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो पावरफुल होता है उसके साथ जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, ए बी है, सी डी है, तो ए चला गया डी के साथ और बी आ गया सी के साथ। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ए चला जाए सी के साथ और जो आपका बी है वो आ जाए डी के साथ, ऐसा भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। जब हम आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे कि कौन किसके साथ किस प्रकार से जाएगा।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्बिनेशन अर्थात संयोजन क्या होता है। देखो, संयोजन का मतलब होता है सिंपल सा, दो रासायनिक अभिक्रिया को या दो केमिकल को जोड़ करके एक तीसरा चीज बनाना। जैसे एग्जाम्पल पे देखो, यहां पर क्या है, कार्बन है, कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन को जोड़ा, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ा तो ये बना CO2, जुड़ के एक नया उत्पाद बना जो कि CO2 एक गैस है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है डेफिनेशन में, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन कहते हैं। मतलब जब आपस में मिल जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसे कहते हैं संयोजन। अरे सिंपल सा यार, जैसे तुम और तुम्हारा भाई दोनों लोग मिल जाओ और मिल करके तुम लोग एक कहला जाओ, क्या एक ही हो, अब अलग अलग नहीं रह गए, इसे कहेंगे संयोजन। मतलब जुड़ना, नाम से स्पष्ट है, संयोजन मतलब जुड़ना। कॉम्बिनेशन नहीं बोलते यार, यार चलो हम लोग कंबाइन हो जाते हैं, कभी कभी देखोगे क्लास आपको कंबाइन बैठा दिया जाता है, ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा वियोजन, इसे कहते हैं इंग्लिश में डीकम्पोजिशन। अब इसको जरा समझना, इसका मतलब क्या होता है कि तुमको हमने एक प्रोडक्ट दे दिया और बोलो उसको तोड़ डालो, तोड़ के दो भाग बना दो, तीन भाग बना दो, इसे कहते हैं वियोजन, मतलब वियोजित होना, टूटना। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू समझना, यहाँ पर क्या है, हमने आपको दिया CaCO3, इसको बोला तुम तोड़ डालो, तो तुमने कैसा तोड़ा, पहले CaCO में तोड़ा, फिर तोड़ा CO2 में, लेकिन तुम्हारा जो तोड़े हो ना वो बराबर होगा, देखना कैसे, यहाँ पर O2 दो है, यहाँ पर O1 है, मतलब टोटल तीन ऑक्सीजन हुआ, तो ये देख लो तीन ऑक्सीजन हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर CA है तो यहाँ पर भी CA है, अब एक C बच गया तो ये C आपका उठ के यहाँ आ गया, इस प्रकार से इसे कहते हैं वियोजन। मैं उम्मीद करता हूं आपको डीकंपोजिशन भी अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कहता है कि टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब अब जो आपका डीकंपोजिशन मतलब जो आपका वियोजन होता है वो आपका तीन प्रकार का होता है, मतलब तीन प्रकार से वियोजित हो सकता है, सुनना कैसे। सबसे पहले होगा थर्मल रिएक्शन, मतलब ऊष्मा के द्वारा, अगर हम किसी प्रोडक्ट में ऊष्मा देंगे कुछ इस प्रकार से तो ये दो भागों में टूटेगा। इसके बाद तीसरा होता है, अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तो दो भागों में टूटेगा। और तीसरा हो जाएगा कि फोटोकेमिकल, मतलब उसको हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो दो भागों में टूट जाएगा। मतलब सिंपल सा ये कह रहा है कि अगर कोई केमिकल मैंने आपको दे दिया वो तीन तरह से टूट सकता है, एक केमिकल नहीं, सभी केमिकल के प्रॉपर्टीज मतलब गुण अलग अलग होते हैं, इस चीज को गौर कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से डीकंपोजिशन रिएक्शन आपके तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है रिप्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। अब हम आगे बढ़ें, उसके पहले आपके एनर्जी लेवल को चेक करना चाहता हूँ, एनर्जी लेवल कितना बचा हुआ है, कितने तुम एक्साइटेड हो चैप्टर को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। अगर तुम्हारा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है तो समझ जाओ कि इस चैप्टर से तुम दूर भाग रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो अभी तुम उठो, अपने आंख मुंह हाथ पर जो जो धुल लो धुलो, चाय पियो, कुछ खाओ थोड़ा सा नमकीन वगैरह, और फिर से तुम अपने क्लास को कंटिन्यू करो। तुम ठान लो कि जब तक हम क्लास को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम वीडियो को बंद नहीं करेंगे, इस चीज को गौर करना। और अगर तुम लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हो तो यकीन मानो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब देखो नेक्स्ट कहता है हमारा रिप्लेसमेंट, नाम से स्पष्ट है, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान में जाना, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट। जरा समझना, एक एग्जांपल थ्रू समझाता हूं, जैसे यहां पर लिखा है CU, गॉट इट, और यहां पर लिखा है SO4, तो समझो तुम हो गए CU और तुम्हारी सहेली हो गई SO4, ठीक है, तुम्हारा नाम है CU, ठीक, गौर करना, तुम्हारा नाम CU है, तुम्हारी सहेली का नाम SO4 है, तुम लोग की जिंदगी बढ़िया चल रही है, एकदम मजे में कट रही है यार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन CU से ज्यादा ताकतवर एक लड़का तुम्हारे स्कूल में आया जिसका नाम है FE, CU से ज्यादा ताकतवर है, और जैसे ही CU और SO4 के बीच में एक तीसरा बंदा आया FE, तो धीरे धीरे
एफी की दोस्ती SO4 के साथ होने लगी और सीयू बेचारा अकेला ही हो गया। एक टाइम पे ऐसा आया कि एफी SO4 साथ में रहने लगे, शादी वादी कर लिए, मियाँ बीवी बन गए और सीयू अलग हो गया। तो बस ऐसे ही है, देखो ना, एफी प्लस सीयू SO4 इसने टूटा क्योंकि एफई ज़्यादा पावरफुल था, तो इसने शादी कर लिए SO4 से और सीयू अकेले फिर भटकते रहा। इसे कहते हैं विस्थापन, मतलब रिप्लेसमेंट, इसने अपने स्थान को चेंज कर लिया। बाकी यहाँ पर हिंदी में डेफिनेशन लिखी गई है, अगर आप डेफिनेशन को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ रीड कीजिएगा, जो मैं समझाया हूँ वही लिखा गया है। एक हमारा चौथा टाइप कहता है डबल रिप्लेसमेंट या डबल डिप्लेसमेंट विस्थापन, कहीं कहीं इसे डिप्लेसमेंट वर्ड से भी डिनोट किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक की जिंदगी चल रही है एन ए कोई हो गया लड़का और OH हो गई लड़की, ठीक है, ये दोनों की बढ़िया जिंदगी चल रही है, इनकी शादी होने वाली है। ठीक ऐसे ही एक दूसरा जोड़ा है, एक का नाम है H और दूसरे का नाम था CL, इनकी भी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, तो इसको मैं लाइन खींच देता हूँ, है ना, लड़का और लड़की को अलग अलग कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये दोनों हो गए भाई, अब इनकी जिंदगी ठीक चल रही है, दो जोड़ा है, बढ़िया है, साथ साथ घूम रहे थे। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि जो एन ए नाम का लड़का है इसको पसंद आने लगी CL। बोला यार मेरी जो OH है ना वो बहुत ज़्यादा चिक चिक करती है, गुस्सा करती है, मज़ा नहीं आता यार, एक और है बगल में बहुत अच्छी है, नेचर वाइज बहुत अच्छी है, चलो कुछ ट्राई करते हैं। और यही कहानी इस H के साथ हुआ, इसको धीरे धीरे OH पसंद आने लगी कि यार CL यार मज़ा नहीं आ रहा यार, CL के साथ OH से बढ़िया रहेंगे, उससे शादी करेंगे। इसने कर लिया आपस में इंटरचेंज, मतलब दो लोग विस्थापित हुए थे, वहां पर केवल एक विस्थापन हुआ था, यहां पर दोनों ने अपना अपना स्थान चेंज कर लिया, मतलब NA उठ के आ गया CL के साथ तो आपका बन गया NaCl, और जो आपका H था वो आ गया OH के साथ तो ये बन गया H2O, और इन्होंने अपना शादी कर लिया और जिंदगी आगे चल रही है। तो इसे कहते हैं डबल रिप्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, बाकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। समझ तो आ गया ना, तो इस प्रकार से तुम्हारे ज़िंदगी में भी इंटरचेंज हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, तो पकड़ के रखना जिसको भी रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि टाइप ऑफ रिएक्शन एनर्जी फ्लो के अकॉर्डिंग। एनर्जी फ्लो के अकॉर्डिंग रिएक्शन दो प्रकार का होता है भाई, जरा सुनना गौर करना, एक होता है इंडोथर्मी और दूसरा होता है एक्सोथर्मी। अब इंडोथर्मी को हिंदी बोलते हैं ऊष्मा शोषी और इसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी, नाम से स्पष्ट है, क्लियर हो जाएगा, देखना ऊष्मा शोषी 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 शब्द को गौर करो, ऊष्मा शोषी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जरा गौर कीजिएगा हिंदी को, ऊष्मा शोषी शोषी मतलब होता है शोषित करना या अपनी तरफ खींचना, तो सिंपल सा, जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है मतलब अपनी तरफ खींचती है उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी, और इसका जस्ट अपोजिट आपका हो गया ऊष्माक्षेपी, मतलब जिसमें ऊर्जा निकलती है। तो केवल एक शब्द को ध्यान रखो, ऊष्मा शोषी शोषी वर्ड को ध्यान रखो, तुम्हारा दोनों का डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये जो एक रिएक्शन दिया गया एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, तो इसमें ऊर्जा अपने तरफ खींचती है और इस रिएक्शन में ऊर्जा बाहर निकलती है, इस प्रकार से हो गया एनर्जी फ्लो के अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन दो प्रकार का होता है, इंडोथर्मी एंड एक्सोथर्मी, मतलब ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। गॉट इट, इतना तो समझ आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक शब्द तुम सुने होगे रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, हिंदी और इंग्लिश में इसे रेडॉक्स ही बोलते हैं, रेडॉक्स रेडॉक्स रेडॉक्स, ध्यान रखना रेडॉक्स अभिक्रिया में केवल दो चीज होता है, क्या होता है भाई साहब, एक होता है अपचयन और दूसरा होता है ऑक्सीकरण, या इसे उपचयन भी कहते हैं। भयंकर कंफ्यूजन होता है जब कहीं ऑक्सीकरण ना लिखा हो, अपचयन और उपचयन लिखा हो, तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि देखो ना यार लगभग सही है, यहाँ पर आ के स्थान पर यहाँ पर ऊ कर दिया है, बस इतना ही तो चेंजिंग है ना, तो गौर करना अपचयन और उपचयन अलग अलग है, ये मत समझना कि ऑक्सीकरण कहीं नहीं लिखा है तो अपचयन और उपचयन सेम है, नहीं, अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीकरण या उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अब इसको भी जरा समझना, इसके लिए आपको आना पड़ेगा थोड़ी इंग्लिश में, ठीक, इंग्लिश में क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना,
खत्म खत्म। बस एक चीज ध्यान रख लो, ऑक्सीडेशन मतलब ऐसा कोई तत्व जिसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़े उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक। बाकी रिडक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। और हाइड्रोजन का निकलना, जब कभी कहीं ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अरे सिंपल सा यार, एक घर बना हुआ, एक बात बताओ, घर में तुम्हारा नाम ऑक्सीजन है, ठीक है, घर में तुम रहने जाओगे, वहां जगह नहीं है तो एक किसी को बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो बोलोगे चल हाइड्रोजन बाहर निकल, चल निकल निकल निकल, ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नाम से देखो यहां पर ओ है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और जहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना एक डेफिनेशन हो गया, एक हो गया हाइड्रोजन का निकलना दूसरा डेफिनेशन, तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। ऐसे इधर अपोजिट, इधर ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, तो इस प्रकार से हो गया आपका रिडक्शन। समझ तो आ रहा है ना, समझ तो आ रहा है ना। अगर तुम्हारे मन में अभी भी डाउट है कोई पॉइंट पे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तुम्हारे डाउट को क्लियर करूंगा। इतना ही नहीं, अगर इन सबके पीडीएफ को तुम डाउनलोड करना चाहते हो, ये स्लाइड वगैरह जो देख रहे हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, अपने पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, आगे कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु कहता है रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। हमने आपको एक चीज समझाया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये तो अलग अलग प्रक्रिया है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक। अब अगर यही दोनों प्रोसेस एक साथ होने लगे, इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन, कुछ नहीं है। अगर अलग अलग हो रहा है तो इनका नाम चेंज हो जाता है, एक का नाम अपचयन, दूसरे नाम उपचयन। अगर दोनों प्रक्रिया साथ में हो तो इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। अब जरा समझना, ये जो CU है ना, CuOH और यहाँ पर है H2, ठीक। अब क्या हुआ भाई, ये CU हो गया अकेले, ठीक है, CU हो गया अकेले, मतलब इसका हो गया अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना। तो देखो ये जो ऑक्सीजन थे निकला और H2 के साथ जुड़ गया तो बन गया H2O। और उपचयन का मतलब क्या होता है, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, याद तो है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना मैं बोला था ना, ये देखो ऑक्सीजन आके जुड़ गया, खत्म, बस कुछ नहीं है। इतना ही तो था रेडॉक्स रिएक्शन में। रेडॉक्स रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल सा देता है, इसका डेफिनेशन लिखो विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल और डेफिनेशन आपके सामने अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है यार, क्या होता है संक्षारण, इसको जरा सुनो आसान भाषा में। जैसे आपके पास लोहा है, ठीक है, लोहे को तुम छोड़ दो कहाँ पे, खुले में आंगन में रख दो, उसमें अभी बरसात का सीजन है, बरसात चल रहा है तो उसमें पानी पड़ेगा और नमी वमी लगते रहेगा और ऑक्सीजन से तो उसका कॉन्टेक्ट हो गई होगा, तो जहाँ पर नमी है ऑक्सीजन है, अगर उनसे किसी धातु का कॉन्टेक्ट होता है, उसमें जंग लगती है, उसे कहते हैं संक्षारण और कुछ नहीं है। नहीं आया समझ में, अरे सिंपल सा यार, कोई भी धातु है जिसमें नमी पड़ती है, ऑक्सीजन पड़ती है और वो धीरे धीरे जंग लगना प्रारंभ हो जाता है, मतलब संक्षरित होना प्रारंभ होता है, उसे कहते हैं संक्षारण, खत्म। अब देखो संक्षारण से बचाने के उपाय कौन कौन से हैं, तो आपके पास यदि लोहा है बाहर पड़ा है तो उसमें इस प्रकार से पेंटिंग कर दो, देखो इसने पेंटिंग ब्रश लिया, बढ़िया पेंट कर देगी तो खत्म, ये फिर कभी इसमें जंग नहीं लगेगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास मशीन वगैरह है तो जंग लगने से बचाने के लिए आप उसमें तेल डालिए, ऑयल, ठीक, उसके थ्रू बचा सकते हैं। और तीसरा जैसे गाड़ी हो गया, तो गाड़ी के गियर में ये क्या डालता है, वो ग्रीसिंग करता है, मतलब एक आता है गाढ़ा गाढ़ा, ऑयल से थोड़ी गाढ़ा होता है, ग्रीसिंग बोलते हैं, तो ग्रीसिंग करता है, तो इसके थ्रू आप इन्हें जंग लगने से बचा सकते हैं। तो सिंपल सा, जंग लगने से बचाना संक्षारण का उपाय है। अब देखो जंग भी कई प्रकार के होते हैं, जंग भी कई प्रकार के होते हैं, गौर करना जरा, ध्यान से देखना, अलग अलग रंग भी देते हैं। जैसे अगर आपके पास लोहा है, घर में लोहा तो लगभग सबके घर में होगा यार, है ना, लोहा हो सकता है दरवाजा हो लोहा का, या फिर लोहा आपके यहाँ पड़ा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो लोहा में हमेशा जंग लग जो लगता है वो रेड कलर का होता है, देखे होगे, और इसे कहते हैं रस्ट, इस जंग को रस्ट कहा जाता है। लोहे में अगर जंग लगे तो उसे कहते हैं रस्ट, ठीक है। अगर यही जंग कॉपर में लगता है
तो कॉपर में जब जंग लगता है तो कुछ इस प्रकार से कलर देता है, जिसे कहते हैं ब्लूलिश ग्रीन। थर्ड जो होता है Fe, Fe मतलब होता है आपका, सॉरी यहाँ पर Fe नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए सिल्वर, ये थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर होनी चाहिए सिल्वर। और सिल्वर में जब जंग लगता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, और इमेज में तुम ध्यान से देखो इस रिंग में बीच बीच में ब्लैक कलर हो गया है, मतलब धीरे धीरे इसका संक्षारण चालू हो गया है। इन्हें बचाने के लिए क्या करना है, सिंपल सा वही ग्रीस ऑयल, ठीक है, या फिर इनमें पेंट वार्निश कर सकते हो, इससे बच सकते हैं, गॉट इट। बाकी जो सिल्वर वाला है उसे तो साफ कराना पड़ेगा सोने की दुकान में ले जाके। इतना तो समझ आया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है, जो कि अंतिम है, इसे कहते हैं विकृति गंधिता। समझना जरा, अभी तुम समझ पाओगे आसान भाषा में। तुमने गया मम्मी से पैसे लेके और एक चिप्स का पैकेट खरीद लिया। चिप्स का पैकेट तुमने खरीदा, चिप्स को पैकेट को जब तक नहीं खोला उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, जब भी खोलोगे खाओगे अरे बाप रे मजा आ गया। लेकिन जैसे ही तुम चिप्स के पैकेट को खोल दोगे, एक दिन खुले में रख दोगे, उसका जो स्मेल है और उसका जो टेस्ट है दोनों कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों आपको पसंद नहीं आएगी और उस चिप्स के पैकेट को तुम फेंक दोगे। ऐसा क्यों होता है? देखो, चिप्स के पैकेट में भरा जाता है हाइड्रोजन गैस, यहां पर मैंने लिख दिया H2S2। इस गैस को भर करके और चिप्स के पैकेट को बंद किया जाता है, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस रहने से ये चिप्स का पैकेट बंद होने के बाद भी विकृति गंधिता, मतलब स्मेल और टेस्ट दोनों खराब कर देता। टेस्ट और स्मेल खराब ना हो इसलिए हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। तो हाइड्रोजन गैस को भर के इसने पैक कर दिया, दुकान वाले ने आपको बेच दिया, आपने बढ़िया पैसा देके और ले आया। जब तुमने खाने बैठे तो बढ़िया टेस्ट आया, लेकिन बच गया तो रख दिए, बोले कल खाएंगे यार आज मन नहीं हो रहा। जब तुमने कल खाया तो उस पैकेट को तो तुमने खोल दिया था, तो हाइड्रोजन गैस बाहर गया और ऑक्सीजन गैस अंदर गया, मतलब चिप्स में लगा ऑक्सीजन गैस, और इस प्रकार से इसका स्वाद खराब हो गया। इसे कहते हैं विकृति गंधिता। बाकी किसी स्टूडेंट्स का तो चिप्स खाने का मन नहीं कर रहा ना, अगर पोटैटो का चिप्स खाने का मन कर रहा है तो मत खाना, ठीक है, इसलिए मत खाना क्योंकि अभी तुमको पूरा वीडियोस देखना है ना, वीडियो देखो फिर आराम से अपना खाते रहना। इस प्रकार से आपका ये भी कंप्लीट होता है। और अब कवर करेंगे इस चैप्टर का एक अंतिम पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। मतलब अब हम देखेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके किस प्रकार से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपके सामने एक इक्वेशन लिखा गया है। इक्वेशन क्या है, 2H2+O2 और एरो का सिंबल करके लिखा है H2O। सबसे पहले काम करना इस बॉक्स का यूज करना। यूज कैसे करेंगे, यहां पर जितने भी एलिमेंट है वो लिखा जाएगा, जैसे मैंने H और O ऑलरेडी लिख दिया। ये क्यों लिखा H और O समझना, तो यहां पर इस एरो के पहले देखो क्या क्या है, H है और O है, इसलिए हमने H और O को लिख दिया। सपोज करो अगर यहाँ पर F होता तो हमने F को भी मेंशन यहाँ पर करना होता, लेकिन क्या है बोलोगे, नहीं है, तो हम यहाँ पर F को मेंशन नहीं किए एंड इसे मैं हटा देता हूँ, गॉट इट। अब हमने H और O को लिख लिया। अब H कितना है बेटा, H इधर देखो कितना है, H के यहाँ पर लिखा है 2, मतलब 2 ये हो गया और 2 है बाहर, 2 में 2 का गुणा करोगे तो आएगा 4, मतलब समझो यहां पर है 4। यहां पर वही चलता है मैथ्स का रूल्स, LHF मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस आपको दोनों बराबर करना है, ठीक। तो हाइड्रोजन कितना है, 4 है, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन कितना है, यहां पर लिखा है 2, मतलब ऑक्सीजन आपका 2 है, तो यहां पर सिंपल सा 2 लिखना है। इतना हमने कर लिया, इतना तो आपको समझ आया, इतना समझ आ गया ना, गॉट इट। आगे बढ़े तो इसको हम मिटा देते हैं, और अब देखना हमें यह पता लग गया कि लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा हाइड्रोजन 4 है ऑक्सीजन 2 है, तो हमें राइट हैंड साइड भी इतना करना है। अगर हमने इतना कर लिया हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन कितना, यहां पर 2 है, तो यहां पर सिंपल से हम 2 लिख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, तो हमने यहां पर 1 लिख लिया। मतलब यहां पर कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें कि यहां पर हाइड्रोजन हमारा 4 हो जाए और यहां पर ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाए। तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया यार, क्यों ना हम 2 का गुणा करते हैं, ये मेरे दिमाग में आया,
इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट करो ना, और ट्रायल मतलब चेक करो, जो तुम्हारे दिमाग में है ना वो रख रख के चेक करो। अब हम करके देखते हैं दो का गुणा हमारे दिमाग में है ना, तो हम यहाँ पर दो का गुणा करते हैं, ये दो दूनी चार हो गया भाई, ये तो मेरा काम बन गया, मतलब यहाँ चार है तो यहाँ चार हो गया। अब इसमें अगर हम दो का गुणा करते हैं तो क्या दो होता है, अरे हो गया भाई, दो एक कम दो, ये देखो ये भी हो गया दो, मतलब यहाँ पर हम रख देते हैं दो, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, और इस प्रकार से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखा गया है। एग्जांपल में एक साइड हाइड्रोजन, तो इसी साइड एफ मतलब फ्लोरीन है, एंड यहां पर तो एच एफ बस लिखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन तत्व का नाम लिख लेते हैं, तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितना है, तो एल एच एस लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा हाइड्रोजन दो है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपल सा दो, और फ्लोरीन कितना है दो है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दो। भाई दो दो हैं, दिख तो रहे ना सबको, ये दो और दो। अब देखना फिर से गौर करना, ठीक, इतना तो मेरा क्लियर हो, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, सॉरी ये आगे, ठीक। अब इधर देखते हैं कितने कितने हैं, तो इधर एक हाइड्रोजन है एक फ्लोरीन है, मतलब एक और एक हमने लिख दिया। अब दिमाग लगाओ कि ऐसा क्या करें, आपको घटाना नहीं है, ध्यान रखना हमेशा जोड़ना है। ऐसा क्या जोड़ें, ऐसा किस चीज का मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें कि यहां अगर दो दो है तो यहां भी दो दो हो जाए। मेरे दिमाग में आया कि मैं दो का गुणा क्यों ना करूं, हिट किया हूं ना, अभी हिट किया हूं, मतलब मेरे दिमाग में आया अब इसे मैं ट्राई करूंगा। तो आइए दो का गुणा करके देखते हैं, अगर मैं दो का यहां गुणा करता हूं गुणते दो, और इधर भी गुणते दो करता हूं, तो क्या दो दो होता है, तो दो एक कम दो और दो एक कम दो, हाँ भाई हो गया, तो सिंपल से यहाँ पर आप रख दो दो। आओ चेक करते हैं हाइड्रोजन कितने हैं दो, तो ये हाइड्रोजन हो गया दो, फ्लोरीन कितना है दो, तो ये फ्लोरीन हो गया दो, गॉट इट। इस प्रकार से हमारा दूसरा इक्वेशन भी बैलेंस हो चुका है एकदम आसान तरीके से। आओ तीसरा ट्राई करके देखते हैं, कुछ हटके कुछ नया, ठीक है। देखो हमारा तीसरे पॉइंट में लिखा है एक तरफ है CU और दूसरे इसी तरफ है ऑक्सीजन मतलब O2, तो इसे कहते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसे एरो साइड क्या कहते हैं, इधर राइट हैंड साइड, बराबर होना चाहिए, बस इतना तुमको पता होना चाहिए। CU कितना बेटा, CU तो एक है तो हम एक कर देंगे। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ पर हमने दो लिख दिया बिना कुछ किए, एक साइड का लिख लिया। दूसरा टाइम देखो CU कितना है, दो है, तो यहाँ पर हम दो लिख देंगे, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी दो है, ऑक्सीजन देखो ना दो है, तो यहाँ पर दो लिख देंगे। मतलब यार ऑक्सीजन तो अपना बराबर है, लोचा यहाँ है, यहाँ बराबर नहीं है, तो यहाँ बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक काम करूँ CU में किसी को गुणा करूँ क्या, शायद बराबर हो जाए, तो गुणा करके देख लेते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि यार दो है यहाँ, तो यहाँ दो को गुणा करें क्या, दो एक कम दो, अरे बराबर हो गया, मतलब यहाँ पर रख दो सिंपल सा दो, लो हमारा इक्वेशन ये भी बैलेंस हो गया है। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, एंड इस प्रकार से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। गॉट इट, समझ में आना, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना कि बढ़िया तुम आसानी से समझ सकते हो। एक और एग्जांपल तुम्हारे सामने है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, फिर कुछ होमवर्क देके वीडियो को एंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक साइड हाइड्रोजन है मतलब OH, और दूसरा साइड ऑक्सीजन मतलब O, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, ठीक है, और ये हमारा कहलाएगा राइट हैंड साइड मतलब RHS, गॉट इट। H कितना है, हाइड्रोजन दो है तो हमने यहाँ पर दो लिख दिया, ऑक्सीजन कितना दो है तो हमने यहाँ पर दो लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है दो है तो हमने यहाँ पर दो लिख दिया, ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन एक है तो हमने यहाँ पर एक लिख दिया। हाइड्रोजन तो हमारा बराबर है लेकिन ऑक्सीजन में गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है, यहाँ दो है और यहाँ एक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो छोटी संख्या है ना उसे बड़ा करने का प्रयास करना। तो यहाँ पर एक काम करें क्या, मेरे दिमाग में दो को गुणा कर दें क्या, दो एक कम दो, अब बराबर हो गया, तो ऑक्सीजन को दो किए हैं ना, ऑक्सीजन को दो किए हैं मतलब यहाँ पर हम दो रख देंगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ दो मत कर देना, गलती हो जाएगी, यहाँ कभी नहीं रखा जाता, सामने ही करना, ठीक है। अब यार हमने दो सामने कर दिया लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया यार, हाइड्रोजन यहाँ पर दो था और दो और हो गया मतलब चार हो गया, मतलब यहां पर अब दो नहीं बल्कि चार लिखना होगा। तो जब यहां पर चार है तो यहां पर दो क्यों होगा भाई साहब, रूल्स दे कहता है ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब अब हमें यहां के लेफ्ट हैंड साइड के जो अंक दो है इसमें खेल करना होगा।
तो जब यहाँ पर 4 है तो हम क्यों ना 2 को गुणा कर दें, तो 2 दूनी 4 अर्थात ये भी हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस। अब देख लो पूरा टोटल बैलेंस है, आओ चेक करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ये 2 हो गया बाहर मतलब 4, तो यहाँ पर देखते हैं ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 कंप्लीट। ऑक्सीजन देखो O2 है 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। गॉट इट। चलिए अब कुछ लीजिए आप होमवर्क, इसे ट्राई कीजिएगा और जो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर हमें कमेंट के माध्यम से बताता है मैं उसको हार्ट दूंगा। प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स इसको ट्राई जरूर करना। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन एंड ये रहा है आपका दूसरा क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक ऐसे ही कॉन्टेंट आपको नेक्स्ट चैप्टर का जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो एंड करता हूँ, आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।